हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षा हाउ आर यू ऑल आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन सो फ्रेंड्स सोशल सिक्योरिटी जो आपका आई बी पी का पार्ट है उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जिसके अंदर से आप डेफिनेटली क्वेश्चन uh, एक्सपेक्ट कर सकते हो वो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का कोई नया टॉपिक नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपके 2015 के अंदर आ गए थे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं तो इसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है जो अगर आप याद कर लो तो डेफिनेटली आपको आपके पेपर के अंदर एक आधा क्वेश्चन आप इजीली फंसा सकते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का और राइट सो वील बी लुकिंग एट द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऐसा नहीं है कि हम इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको क्यों

सो नंबर वन जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है अब मैं आपको बताता जाऊंगा कि आपने याद क्या क्या करना है एक तो आपको सारे गोल्स याद होने चाहिए कि जैसे पहला गोल है इट इज़ टॉकिंग अबाउट पॉवर्टी पहला गोल पॉवर्टी के बारे में बात कर रहा है ठीक है पूरा स्टेटमेंट एज इट इज याद नहीं भी होगा तब भी चलेगा मेन थीम आपने याद रखना है कि थीम पॉवर्टी का है ओके okay? इसके अंदर मेनली क्या बोला गया है कि दो तक एक्सट्रीम पॉवर्टी फॉर ऑल पीपल ख़त्म करना है पूरी दुनिया में से और करेंटली जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है या पॉवर्टी लेवल कैसे मेजर किया जाता है इफ समन इज लिविंग ऑन लेस टू फाइव डॉलर पर डे तो डेफिनेटली ये एक क्वेश्चन बन जाएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए पॉवर्टी किससे तो तो आपने याद रखना है कि नंबर गोल इज नो पॉवर्टी और दूसरा फैक्ट आपने याद रखना है कि वन पॉइंट टू फाइव डॉलर डे जो है वो पॉवर्टी लेवल सेट किया है ओके okay? सेकेंड जो आपका आ जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दैट इज एंडिंग हंगर ठीक है अगर आप Uh, इसमें कीवर्ड याद कर लो या तो जीरो हंगर सो so हंगर इज़ रिलेटेड विद यू नो फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तो वो कई बार क्वेश्चन में इस तरीके से भी पूछ सकता है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर बात की जा रही है तो इसी वजह से सारे की याद होने चाहिए अब इसमें फूड सिक्योरिटी का की भी आप याद करोगे न्यूट्रिशन का की भी आप याद करोगे और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सो गोल नंबर टू यू कैन राइट इट एज लाइक दिस इन योर नोट्स गोल टू इज इक्वल टू फूड सिक्योरिटी एफ अगर आप रिमेंबर कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म्स सो एफ प्लस न्यूट्रिशन प्लस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ठीक है अगर मुझे इस तरह अगर मुझे अपने नोट्स बनाने होंगे तो मैं इस तरीके से नोट्स बनाऊंगा ठीक है जी अब इसके अंदर बात क्या हो जाती है कि सबसे पहले तो 2030 तक माल न्यूट्रिशन एंड करना है तो माल न्यूट्रिशन का एंड डेट 2030 है इंक्लूडिंग अचीविंग बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव द इंटरनेशनली on टारगेट्स ऑन स्टंटिंग एंड वेस्टिंग इन चिल्ड्रन अंडर फाइव ईयर्स ऑफ एज दो हज़ार पच्चीस तक जो स्टंटिंग और वेस्टिंग चाइल्ड वेस्टिंग के टारगेट्स हैं वो अचीव करने हैं सो so, न्यूट्रिशन को अपनी सारी फॉर्म्स में ख़त्म करना है दो हजार तीस तक और स्टंटिंग और वेस्टिंग को दो हज़ार पच्चीस तक और राइट दो हजार तीस तक जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है या जो एग्रीकल्चरल इनकम है स्मॉल फार्मर्स की वुमेन फार्मर्स की लोकल लोगों की फैमिली फार्मर्स की पेस्टोलिस्ट की फिशर्स की तो ये इनकम और प्रोडक्टिविटी को डबल करना है 2030 तक ठीक है तो ये सारे के सारे डबल करना है पूछा जा सकता है कि कितना टाइम्स करने की बात कर रहा है 50 परसेंट इंक्रीज करना है 100 परसेंट इंक्रीज करना है टू टाइम्स इंक्रीज करना है थ्री टाइम्स इंक्रीज करना है तो सारे वेरिएशन आपके दिमाग में होने चाहिए थर्ड गोल देखो थर्ड गोल कहता है कि इंश्योर करें हेल्दी लाइफ एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस सो गुड हेल्थ है ठीक है अगर गुड हेल्थ है और वेलबींग well याद कर लोगे तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा तो 2030 तक मेटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो का टारगेट कितना रखा गया है ग्लोबल 70 पर 1 लाख लाइफ बर्थ डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको लेक्चर जो थ्योरी पढ़ाता हूँ उसके सारे क्वेश्चंस आपके सोशल सिक्योरिटी के जो टेस्ट हैं जो पेड कोर्स के अंदर टेस्ट हैं पेड एम के अंदर टेस्ट हैं उनमें सारे के सारे क्वेश्चन फॉर्म में भी हमने कवर किए हुए हैं ये ठीक है उसके अलावा 2030 तक आपने आ, क्या करना है डेथ ऑफ न्यू बॉर्नस एंड चिल्ड्रन अंडर फाइव उसको भी कम करना है तो न्यू नेटल मॉर्टेलिटी रेट का टारगेट कितना है कि 12 पर लाइफ बर्थ तक लेकर के आना है 2030 तक 12 पर हजार लाइफ बर्थ और अंडर फाइव मोर्टेलिटी को 25 पर थाउजेंड लाइफ बर्थ के टारगेट तक नीचे लेकर के जाना है आपका गोल नंबर थ्री में ये लिखा है ठीक है उसके अलावा 2030 तक काफ़ी सारे एपिडेमिक्स हैं जिनको लिस्ट किया गया है जिसमें आपका एड्स आ जाता है टीबी आ जाएगा मलेरिया आ जाएगा निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज आ जाएगा हेपेटाइटिस आ जाएगा वाटर बॉन्न डिजीजेज आ जाएगा और बाकी के जो कॉम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उनको दो तक ख़त्म करना है दो तक वन थर्ड प्री मेच्योर मोर्टेलिटी नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीजेज से जो होती है उसको रिड्यूस करना है एंड फाइनली uh, 2020 तक ग्लोबल डेथ एंड इंजरीज जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स से हो रही हैं उनको खत्म करना है ठीक है वन हाफ आधा करना है उनको ठीक है तो अब ये हुआ या नहीं हुआ ये जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अचीवमेंट टारगेट्स देखेंगे आने वाले वीडियोस में तब समझेंगे अभी सिर्फ टारगेट्स देखने हैं कि टारगेट क्या सेट किए गए थे चौथा आ जाता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो चौथा गोल है ये बात करता है क्वालिटी एजुकेशन की एजुकेशन के ऊपर ये डिस्कशन करता है तो इसके अंदर बेसिकली एक तो इक्विटेबल एजुकेशन की बात हो गई क्वालिटी एजुकेशन की बात हो गई और लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात होती है उधर ठीक है सो लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की बात होती है उधर और राइट सो इसके अंदर कोई इतने इंपॉर्टेंट टारगेट्स नहीं है जो आपको याद करने पड़ें गोल नंबर फाइव आ जाता है जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड सो जेंडर इक्वालिटी बेसिकली आपने वुमेन और गर्ल्स के एम्पावरमेंट की फिफ्थ गोल में बात होती है इतना आप याद रख लेंगे तो सफिशेंट है सिक्स गोल बात करता है एंश्योरिंग अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन सो वाटर एंड सैनिटेशन की यहाँ पर बात होती है आपने सिक्स नंबर गोल में ये याद रखना है और साथ ही साथ टारगेट क्या सेट किया गया था कि 2020 तक प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर वाटर रिलेटेड इको अब इसमें क्या क्या आ जाएगा माउंटेन आ गए फॉरेस्ट आ गए वेटलैंड आ गए रिवर्स आ गए एक्वाफायर्स आ गए एंड लेक्स आ गए इसके अंदर सारी इस तरह की चीजें आ जाएंगी ऑल राइट सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दो आपने टारगेट याद करके रखना है इसके अंदर ओके ना उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका गोल नंबर सेवन इसके अंदर क्या बात की गई है कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात की गई है इसके अंदर तो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी इज रिलेटेड टू गोल सेवन गोल एट इज बेसिकली डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ कि आप सस्टेन्ड इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ दें प्रोडक्टिव uh, एम्प्लॉयमेंट हो और डिसेंट वर्क फॉर ऑल हो तो मैनुअल्स केवेंजिंग वगैरह जैसी जो चीज़ें हैं उनको खत्म किया जाए कंट्री में से इसके अंदर अब बेसिकली अगर आप सब टारगेट्स देखो तो बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि uh, जो आपके डेवलपिंग कंट्रीज हैं एटलीस्ट सेवन परसेंट जी ग्रोथ पर एनएम इन कंट्रीज के अंदर देखने को मिलना चाहिए जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं स्पेशली चाइल्ड लेबर को 2025 तक इन ऑल इट्स फॉर्म शुड बी एंडेड अप और 2020 तक डेवलप करें ऑपरेशनलाइज करें ग्लोबल स्ट्रेटेजी बेसिकली जिसके अंदर यूथ को किस तरह से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाएगी ठीक है डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में ग्लोबल जॉब पैक्ट्स जो, जो हैं जो एक दूसरे जो मोबिलिटी को ईजी बना देंगे ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया से कोई जॉब करना चा, जाना चाहता है अमेरिका में तो वो जॉब मोबिलिटी ईजी होनी चाहिए प्रोसेस ईजी होना चाहिए माइग्रेशन ईजी होनी चाहिए ओके चलिए नाइन्थ नंबर पर आ जाता है आपका बिल्डिंग रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोटिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फॉस्टर इनोवेशन सो बेसिकली स्ट्रक्चरल फॉर्म में कि जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बना रहे हो वो क्या सस्टेनेबल है जो आप इंडस्ट्रीज डेवलप कर रहे हो क्या वो सस्टेनेबल है यानी कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं ओके और इनोवेशन को भी प्रमोट करने की उसमें बात होती है इनइक्वालिटी को कम करने की बात हो रही है आपके गोल नंबर टेन के अंदर बेसिकली इसके अंदर क्या बोला गया है कि इनकम uh, ग्रोथ जो है जो बॉटम फोर्टी परसेंट है पॉपुलेशन है के इनकम uh, uh, के टर्म्स में उनको आप नेशनल एवरेज से ऊपर लेकर के आए या नेशनल एवरेज पर एटलीस्ट लेकर के आए उनको उसी के साथ साथ बेसिकली uh, यहाँ पर एक और बात की गई कि जो माइग्रेंट्स हैं अब माइग्रेंट अगर कोई ईरान के अंदर काम कर रहा है या सऊदी अरेबिया में इंडिया वाला बंदा काम कर रहा है तो उसको घर पैसा भेजना है अब घर पैसा भेजने के लिए खर्चा होगा ट्रांजेक्शन कॉस्ट होगा जब वो जिससे भी ट्रांसफर करवाएगा पैसे वो उससे कमीशन लेगा ठीक है तो इसी वजह से क्या बोला गया कि ये चीज को भी हमने टारगेट करना है इस पर्टिकुलर गोल के अंदर हमें जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है उसको तीन परसेंट से कम लेकर के आना है ताकि माइग्रेंट्स जो है उनको पैसा भेजने में ज्यादा दिक्कत ना हो और ऐसे रेमिटेंस कॉरिडोर जो पांच परसेंट से ज्यादा कमीशन ले लेते हैं अब किसी को सौ रुपया भेजना है तो सौ रुपए में से पांच रुपया तो उसने अपना कमीशन रख लिया तो इस तरह के जो रेमिटेंस कॉरिडोर हैं उनको खत्म करना है ठीक है गोल नंबर इलेवन में आप देखो क्या है सिटीज और ह्यूमन सेटलमेंट्स को इंक्लूसिव सेफ रिजिलियंट एंड सस्टेनेबल बनाना है ऑलराइट राइट दो तक जो नंबर ऑफ सिटीज हैं या ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं मस्ट यू नो मेजर्स विच आर इंक्लूसिव जहाँ पर रिसोर्स एफिशेंसी हो मिटिगेशन एंड अडाप्टेशन हो क्लाइमेट चैलेंज को कि कल को अगर भूकंप आ जाए तब भी वो जो शहर है वो बर्बाद ना हो जाए पूरी तरह से डिजास्टर रेजिलेंट बेसिकली उसको बनाना है और सिंडाई फ्रेमवर्क जो है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का दो से 30 तक का उसके गाइडलाइंस को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है ये भी देखा जाए गोल नंबर ट्वेल्व में क्या बोला गया सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न तो बेसिकली यहां पर भी एग्रीकल्चर कंजम्प्शन एंड प्रोडक्शन की बात हो रही है अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट डेवलपमेंट के साथ साथ पॉवर्टी कम करना है इंडस्ट्री को डेवलप करना है ठीक है एग्रीकल्चर इनकम बढ़ाना है सब करना है लेकिन क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए और क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है नेसेसिटिव जो एफर्ट्स हैं वो लेकर के आने हैं जिससे आप उसको रोक सकें ठीक है इसके अंदर आप बेसिकली अगर देखें एक कमिटमेंट जो है एक टारगेट जो है वो सेट किया गया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो सौ बिलियन डॉलर जो है वो एनुअली इकट्ठा करेंगे दो तक ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज की नीट है एनवायरमेंटल uh, चैलेंजेस को मीट करने के लिए उसको फुलफिल किया जा सके तो 2020 तक इस टारगेट को अचीव किया जाए ऐसा लिखा गया था इस गोल के अंदर पर ये भी अभी तक अचीव नहीं हुआ है ओके okay? नेक्स्ट आपका ओशन सी एंड मेराइन रिसोर्सेज से रिलेटेड है तो इजीली याद कर सकते हो इसके अंदर क्या क्या बोला गया कि भैया एक तो 2025 तक मेराइन पॉल्यूशन को रिड्यूस करें ठीक है 2020 तक सस्टेनेबल मैनेजमेंट आपने शुरू करनी है 2020 तक आपको रेगुलेट करना है ओवर फिशिंग को रोकिए इीगल फिशिंग को रोकिए अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग को रोकिए, जो डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेज हैं, उनको कंट्रोल कीजिए ताकि जो फिश प्रोड्यूस है वो मैनेज रहे 2020 तक आपने एटलीस्ट टेन परसेंट कोस्टल या मेराइन एरिया जो है उसकी कंजर्वेशन करनी है एनवायरमेंटली उनको प्रोटेक्ट करना है एंड सर्टन फॉर्म ऑफ फिशरी सब्सिडी शुड बी एंडेड क्योंकि अगर आप एक फिशरमैन uh, को सब्सिडी दे रहे हो तो डेफिनेटलीवर फिशरी करेगा ओवर फिश एक्सट्रैक्ट करेगा जिससे आपका नेचुरल सिस्टम जो है वो हार्म होता है गोल नंबर फिफ्टीन इज ऑफ लाइफ ऑन लैंड बेसिकली ये क्या बात करता है सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम फॉरेस्ट का सस्टेनेबल मैनेजमेंट डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करना ठीक है लैंड डिग्रेडेशन को रोकना और बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रहा है उसको भी कंट्रोल करना ये सारे की वर्ड है आपसे क्वेश्चन में वो सीधा पूछ सकता है कि विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टॉक्स अबाउट सस्टेनेबली मैनेजिंग द फॉरेस्ट और विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैज अ टारगेट ऑफ कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर आपका बन जाता है ठीक है तो इसके अंदर अगर आप देखो कंजर्वेशन एश्योर करें रिस्टोरेशन सस्टेनेबल यूज एंश्योर करें 2020 तक ठीक है सस्टेनेबल मैनेजमेंट होना चाहिए एक्सटिंक्शन जो थ्रेटन स्पीशीज़ का है वो उसको आप कंट्रोल करें मेजर्स uh, इस तरह के इंट्रोड्यूस करें जो इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़ को रोकें क्योंकि वो नेचुरल स्पीशीज़ को नेटिव स्पीशीज़ को काफ़ी ज़्यादा हार्म करते हैं एंड एकको सिस्टम एंड बायोडावर्सिटी वैल्यूज़ को इंटीग्रेट किया जाए नेशनल और लोकल प्लानिंग में ताकि डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जो है वो एक साथ हैंड इन हैंड मूव कर सकें नेक्स्ट इज योर गोल नंबर सिक्सटीन गोल नंबर टॉक्स अबाउट पीस जस्टिस एंड स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस कि कैसे पीस मेंटेन किया जा सके सोसाइटी के अंदर एंड द लास्ट एंड द सेवनटीन गोल इज द स्ट्रेंथनिंग द मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड रिवाइटलाइज द ग्लोबल पार्टनरशिप तो ग्लोबली देशों को कैसे एक साथ लेकर के आया जाए जिससे सब देश जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सकें दिस इज योर गोल नंबर सेवेंटीन ओके सो बेसिकली फुली ऑपरेशनलाइज द टेक्नोलॉजी बैंक एंड साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कैपेसिटी बिल्ड मैकेनिज्म फॉर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ बाय 2017 तो so, 2017 तक का टारगेट दिया गया था एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करें डेवलपिंग कंट्रीज़ के ताकि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी इनकम को डबल किया जा सके एंड उनका जो शेयर है ग्लोबल एक्सपोर्ट में उसको डबल किया जा सके पर ये सारे के सारे गोल्स इन पे इम्पैक्ट जो आपका कोविड नाइन्टीन आया उसका भी काफ़ी इम्पैक्ट इनके ऊपर देखने को मिला आ, लेकिन जो भी इम्पैक्ट्स हैं वो भी हम स्टडी करेंगे सो डोंट वरी अबाउट दैट और ओके सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर आई होप एक क्विक आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपके रिवाइज हो गए होंगे और अगर जिसने नहीं पढ़े उसके लिए तो ये क्विक रिवीजन और क्विक लर्निंग प्रोसेस है ही ऑलराइट सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर टिल देन ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय